अपने जन्मदिन के एक दिन बाद ही पापा बन गए शोएब इब्राहिम की उड़ गई है रातों की नींद। चैन से सो नहीं पा रहे हैं छोटू के डैडी, तो बेटे के जन्म के बाद डालनी पड़ गई है ये आदत। जी हाँ, इन बातों का खुलासा खुद शोएब इब्राहिम ने ही किया है, जो एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ संग शादी के 5 सालों बाद पापा बन गए हैं। और अब शोएब इब्राहिम ने जमाने के आगे ये खुलासा किया है कि उनका फादरहुड एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है, तो वही उन्होंने फैंस के सारे सवालों के जवाब भी दिए हैं। जहां एक और इस समय टीवी के पॉपुलर कपल शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ की खुशियां सातवें आसमान पर हैं, भाई आखिर बीते ही महीने ये कपल एक बेबी बॉय के मम्मी पापा जो बने हैं। वहीं बेटे के जन्म के 20 दिन बाद इस जोड़ी ने अपने घर में नन्हे मुन्ने का स्वागत किया, वो भी पूरे शाही अंदाज में। जहाँ एक और फैंस को दीपिका शोएब के बेटे की झलक देखने का बेसब्री से इंतजार है, तो वहीं इसी बीच अब शोएब इब्राहिम ने फैंस के साथ अपने पापा बनने के बाद के एक्सपीरियंस पर बात की है। दरअसल बेटे का अपने ओशियाने में ग्रैंड वेलकम करने के बाद न्यूली डैड शोएब ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक सवाल जवाब सेशन रखा और फैंस के सवालों के जवाब दिए। इन्हीं सवालों में से एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने ये भी बताया कि बेबी बॉय के दुनिया में आने के बाद उनकी रातों की नींद उड़ गई है। हुआ यू के सेशन के दौरान एक यूजर ने शोएब इब्राहिम से पूछा, आपका फादरहुड कैसा चल रहा है? तब इस पर शोएब ने जवाब दिया, अभी तो शुरुआत है, रात की नींद हराम हो गई है, प्यारी सी रोने की आदत पड़ रही है। अब शोएब के जवाब से इतना तो साफ जाहिर है कि अभी वो फादरहुड फेज में ढलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ना सिर्फ यही बल्कि सेशन में शोएब ने अपनी बीवी और न्यू मॉम बनी दीपिका कक्कड़ की हेल्थ के बारे में भी अपडेट दी। दरअसल एक फैन ने शोएब से दीपिका की सेहत के बारे में पूछा, तो शोएब ने जवाब दिया कि वो ठीक हो रही है। साथ ही सेशन में एक शख्स ने उनसे ये भी पूछा कि वो अपने घर में कब जा रहे हैं, तब एक्टर ने कहा, एक बार घर बेबी के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए, मतलब शिफ्ट होने के बाद बेबी को परेशानी ना हो। आपको बता दें कि शोएब दीपिका ने ये फैसला किया है कि वो अभी अपने बेटे का चेहरा दुनिया को नहीं दिखाएंगे। साथ ही ये कपल फिलहाल शोएब की बहन सबा इब्राहिम के घर में रह रहा है, क्योंकि उनका घर अभी तैयार नहीं है। गौरतलब है कि शोएब और दीपिका की फरवरी 2018 में शादी हुई थी और शादी के 5 साल बाद इस कपल ने पेरेंटहुड की जर्नी की शुरुआत की है। दीपिका की प्रीमैच्योर इमरजेंसी सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी, जिसकी वजह से समय से पहले जन्मे उनके बेबी को NICU में रखा गया था। 20 दिन तक इस कपल के बेटे को इनक्यूबेटर में रखा गया था। बहरहाल लिटिल इब्राहिम के घर में आने से इनके परिवार की खुशियां बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।